और उसे रात में जो है सरप्राइज भी प्लान है जिया के लिए, लेकिन उसको पता है नहीं। तो रात में जो है अगर बाबू ने जगा दिया, दोनों को जगा दिया, हमें और जिया दोनों को, तब तो सरप्राइज तो समझ जाइए फेल ही है। नमस्कार जी, कैसे हैं आप लोग जी। स्वागत करते हैं आपका अपने इस नए व्लॉग में। तो जी आज है 20 जून और कल है 21 जून। तो जो भी हमारे सब्सक्राइबर होंगे, जो पहले से हमारी वीडियो को देखते आ रहे होंगे, उन्हें शायद पता होगा कि कल हमारी एनिवर्सरी है। जी हाँ, कल 21 जून को हमारी एनिवर्सरी है और इतना ज्यादा इधर माहौल अस्त व्यस्त है और हबगब है, तो कुछ हम लोग को आइडिया रहा ही नहीं कि इस बीच में हमारा एनिवर्सरी भी है। तो अचानक से जिया बताए कि हमारी एनिवर्सरी है, तो फिर हमें ध्यान है कुछ तो सेलिब्रेशन होना चाहिए। तो कुछ सेलिब्रेशन का तो अभी तक हमने सोचा नहीं था, लेकिन अब सोच है कि कुछ सेलिब्रेशन किया जाए, क्योंकि एनिवर्सरी है, एक स्पेशल मोमेंट है हम लोगों के लिए। और यह एनिवर्सरी तो एक तरह से हमारे लिए खास भी रहा, थर्ड एनिवर्सरी है हमारी और तीसरे एनिवर्सरी में हमारा बेटा हमारे साथ है, तो कुछ तो होना चाहिए। आज रात जो है 12 बजे के बाद हमने सोचा है कि एक केक काटा जाए, सरप्राइज दिया जाए जिया को। जिया को भी बिल्कुल आइडिया नहीं है कि ऐसा मैं कुछ प्लान कर रहा हूं, लेकिन है प्लान ऐसा। तो अपने भाई के साथ जा रहे हैं, केक ऑर्डर दे दिया है, बस जाकर के केक उठा लेना है हमें। केक तो लेते आए हैं जी, केक को रख दिया है फ्रिज में, यहाँ पर केक को ला करके रख दिया है जी। रात में खोलते हैं इसको। भेला हमारा बाब उड़ाना मामूड़ाना बोलाई है बाबा हो के सबा के मालिक मुड़ाना कराए ती सबा के मालिक कृष्ण दे बाबा औरो रे दादी हे पोता हो हमें होए वे ती सबा के मालिक मुड़ाना कराए देव ची सबा के मालिक विष्णु देवा बाबा औरो प्रतिभा दादी है। तो वहाँ पर बाबू जो है दादी के गोद में है आराम से। अच्छा, बाबा के साथ जा रहा है, तो दादी का जो है गीत आराम से सुन लिया। बाबा का छत पर जा रहा है। अच्छा, बिना पैसा का बढ़िया बढ़िया नौकर है। ग्रेजुएट दादी, रिटायर्ड ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर और MA BEd LLB बाबा। अच्छा। दो ठो बढ़िया नौकर है इसका। वाह, फिलहाल हमारा खाना यहाँ पर लग चुका है, तो जल्दी से जा करके खाते हैं। उधर है माँ का खाना, तो माँ भी बैठेगी। बना हुआ है भिंडी का रसदार सब्जी, जो कि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। कई बार हमने कोशिश की है खाने की, लेकिन मेरा जो है गले से नीचे उतरता ही नहीं। मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है, इसलिए हम अलग से उनके लिए बनाए। अच्छा, बढ़िया है। तो यहाँ हमारा लगा हुआ है खाना, तो जल्दी से खाते हैं। तो यहाँ पर हो गया जी सभी का खाना, और बाबू जो है सो रहा है अभी। सोता भी है फिर जगता भी है। क्या करता है, मेरे समझ से पड़े है। अपना बेटा को पाले में जितना हम नहीं तंग हुए, उससे बेसी पोता को पाले में हमको लगा। लेकिन फिर भी पोता है, दुनिया में औलाद से बड़ा धन नहीं और किलकारी से बड़ा सुख नहीं। हाँ जी, तो ये बात है। तो अभी उसको सोने ही देते हैं, वैसे उसके मसाज का जो है टाइम हो चुका है, लेकिन अभी मालिश को जो है स्किप करते हैं। अभी सोएगा, फिर रात में जैसे ही जगेगा तो उस समय इसका मालिश कर दिया जाएगा। और उसे रात में जो है सरप्राइज भी प्लान है जिया के लिए, लेकिन उसको पता है नहीं। तो रात में जो है अगर बाबू ने जगा दिया, दोनों को जगा दिया, हमें और जिया दोनों को, तब तो सरप्राइज तो समझ जाइए फेल ही है। लेकिन अगर बाबू ने सोने दे दिया सभी को, तब सरप्राइज हो सकता है। तो देखते हैं, सब कुछ बाबू के हाथ में, क्रियांश के हाथ में। बाबू का हो गया मालिश, भूल गया है कि हम रो रहे थे। कुछ देर पहले बहुत रो रहा था बेचारा, भूल गया। फिर कुछ देर में रोना स्टार्ट करेगा, याद आएगा। तो अभी बिजी है देखने में कुछ। कोई बात नहीं, पहले के रोए, इसको फीड करा दो, उसके बाद सो जाएगा ये। ठीक है, ठीक है, बोल दो पापा ठीक है। ठीक है, जल्दी जल्दी। घर में जो है सभी सो चुके हैं और अभी बज रहे हैं रात के 11, एक घंटा बचा हुआ है 12 बजने में। तो मुझे तो नींद नहीं आ रही, फिर भी सोच रहे हैं जाकर के थोड़ी देर लेट जाते हैं, फिर 12 बजे तो उठना है। फिर जब उठेंगे तब उसके बाद देते हैं सरप्राइज। अभी बज रहे हैं जी लगभग सुबह के 4:15। तो उठने में जो है हमें काफी ज्यादा लेट हो गया है। कारण यह है कि बाबू जो है काफी लेट से सोया है, तो इस वजह से जो है हम लोग जो है सोए रह गए, पता भी नहीं चला। और अब ऐसा करते हैं, जल्दी से केक निकालते हैं और उसके बाद सब कुछ तैयार करते हैं। जिया का जो है उठने का समय भी हो चुका है, लगभग 1-2 घंटे बाद उठना है ही। तो कोई बात नहीं, नींद भी लगभग अच्छा खासा पूरा हो चुका है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो जल्दी से केक लगाते हैं, फिर उसके बाद उसको बुलाते हैं और कट करते हैं।
जल्दी से स्कैंडल को जो है जलवा देते हैं। तो जिया को जो है उठा करके लेते आए हैं क्योंकि बाबू वहाँ पर सो रहा था, ऐसे वहाँ पर कुछ भी हमने रिकॉर्ड नहीं किया, लाइट ऑन नहीं किया वहाँ पर। तो जी तो किसी तरह से उसको सुलाया गया है। तो जिया ने जो है सारा तैयारी वहाँ पर देख लिया है। उम्मीद था ही है? नहीं। बिल्कुल नहीं उम्मीद था। गजब बेइज्जती है। याद तो सही में नहीं था, तुम जब बोली थी तभी याद आया था और उसी समय हम प्लान कर लिए थे। है कितना भागा दौड़ी था इस बीच में, जब से डिलीवरी हुआ है कुछ ध्यान ही नहीं रह रहा है। बाप को छोड़ के कुछ याद नहीं रहा। बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। और फादर्स डे सेलिब्रेट किए थे, वो भी किसी के इंस्टाग्राम पोस्ट देखे थे, तब मालूम चला कि फादर्स डे याद। तो कैंडल जो है जल्दी से वहाँ पिघल जाएगा, चलते हैं चल करके करते हैं। मुझे सारा माहौल तैयार है, ज्यादा देरी नहीं करते हुए हम इसको फूंकते हैं क्योंकि कैंडल जो आधा पिघल चुका है। एनिवर्सरी का जो है स्टिकर है यह भी थोड़ा सा जल गया था, तो ऐसा कुछ हाल हो गया है। तो जल्दी से इसको हैप्पी एनिवर्सरी हम लोगों को हमने जो है किसी को जगाया नहीं है, हम नहीं चाहते कि किसी को इसमें डिस्टर्ब करे। वैसे आज हमारा प्लान है कि रात में सेलिब्रेट करेंगे, तो उसमें जो है सभी लोग इन्वॉल्व रहेंगे। हम लोग चाहते थे कि रात में एक जो है थोड़ा सा सरप्राइज सेलिब्रेशन हो जाए, तो वो हमने कर लिया। हम लोग नहीं चाहते थे बस, जिया को तो पता भी नहीं था, हमको तो लगा इनको याद भी नहीं है, सोचे नहीं याद है तो छोड़ो। कोई बात नहीं है ना, स्कैंडल को हटा देते हैं। अब जल्दी से केक काटा जाए और हमको खिलाओ। और यह जो टेस्ट है रेड वेलवेट है, तो पिछली बार जब मंगाए थे तो काफी अच्छा लगा था, तो फिर से मंगवाएंगे इसको। बाबू को तो अभी यहाँ पर नहीं ला सकते हैं क्योंकि बाबू जो है तुरंत अभी जग जाएगा और रोने लग जाएगा। उसे भी पूरी रात जो है आज वो रोता रहा है, पूरी रात जगाया, ये सोए थे, इधर हम आ गए थे, तो इनको भी डिस्टर्ब नहीं। चलो कोई बात नहीं, हैप्पी एनिवर्सरी हम लोगों को, हमारी तीसरी सालगिरह है यह, और इस साल हमारे साथ बाबू है, तो यह एनिवर्सरी हमारे लिए कुछ और खास हो गया। जिया ज्यादा खाएगी नहीं क्योंकि समझ सकते हैं जी, टेस्ट तो इतना मस्त है ना, तो इतना मस्त टेस्ट का केक जो है जिया नहीं खा सकती है क्योंकि इसको मना है तरह का चीज खाने के लिए, और बाहर का कुछ भी नहीं खाते बाबू के लिए। हाँ जी, तो अब ऐसा करते इसके बदला हम ही खा लेते हैं। नाइस। हमको सही में लगा था खिला रही है। हम भी थोड़ा लगा देते हैं। यहाँ जो बचा हुआ केक है इसको रख देते हैं रेफ्रिजरेटर में, कल सुबह मम्मी पापा मोनू और रितु सभी उठेंगे तो उन सभी को दिया जाएगा। और यहाँ जो टेबल है इसका जो भी कचरा है अब इसको साफ कर लिया जाए। सेलिब्रेशन तो हो गया जी, और केक कट करते करते जो है टाइम हो गया है 4:28। अब जो है जाकर के थोड़ी सी नींद ले लेते हैं, उसके बाद जो है लगभग 1.5 घंटे बाद सभी लोग उठेंगे ही। फिर जब सब लोग उठेंगे तो सभी से आशीर्वाद लेंगे और उनको केक खिलाएंगे। नेक्स्ट डे बाबू को यहाँ देख सकते हैं, मालिश उलिश हो गया बाबू का। बिल्कुल जी, सुबह सुबह बाबू का जो है मालिश हो गया है। अब जो इसके बाद यहाँ जाएगा अपने दादा दादी के पास, इसको लेकर के जा रहे हैं। एक लंगोट तो पहना है ही, दो लंगोट साथ में दे देते हैं ताकि बीच में सुसू करे तो दादा दादी इसका बदल दे, है ना बाबू। चलो दादा दादी के पास कैसे। और अभी एकदम खेलने के मूड में है यह, बिल्कुल सुबह एकदम खेलिंग मूड में रहता है। 5 बजे से मालिश भी आज जो है अच्छे से करवाया है, वरना होता था कि जैसे छाती पर जाता था तेल तो रोने लगता था। ये बोलिए ना फिर कल से गड़बड़ करवाएगा, नजर लग जाता है तुरंत। बाय बाय। तो जिया उठ गई है, हम भी सोकर के उठ चुके हैं। तो जिया अपना खा रही है ड्राई फ्रूट, में ड्राई फ्रूट्स है और कलौंजी है और आटा है, बहुत कुछ मिला के, गुड़ सब कुछ मिला के। यहाँ पे मिठाई तो नहीं बनता है, तो ऐसे ही मम्मी बस ऐसे बना दी है। सुबह सुबह बोलिए खाने के लिए 2 चम्मच और 1 गिलास दूध। अपना जिया ले रही है, तो जिया जो है आशीर्वाद ले चुकी है माँ का। हम जब सुबह बाबू को देने गए थे उस समय ध्यान नहीं रहा, और ध्यान नहीं रहा तो अच्छा ही हुआ। हम सोच रहे थे कि केक लेकर के ही जाएंगे मम्मी को प्रणाम करने के लिए क्योंकि मम्मी को केक बहुत ज्यादा पसंद है। तो जाते हैं केक निकाल और ये वाला केक ज्यादा पसंद आया, ये वाला क्योंकि हम थोड़ा सा ही टेस्ट किए, बहुत टेस्ट। हाँ, तो देखते हैं तो खाने मिलता नहीं, तो मम्मी के पास लेकर के चलते हैं, आशीर्वाद भी ले लेते हैं और कुछ जो एनिवर्सरी का प्लान भी उनसे डिस्कस करना है कर लेते हैं।
तुम्हारे यहाँ रख देते हैं। माँ को तो दे दिया जी केक हमने, अब बारी है बाकी सभी को केक देने की। जाते हैं सभी को केक देकर के आते हैं। केक तो ले लिया जी, अब जाते हैं नीचे जा करके दे आते हैं दोनों को। और रात में 12 बजे भी नहीं काटे क्योंकि बउवा जो है रात भर जगा हुआ, फिर जब सोए हैं तब उस बार प्रोग्राम किए।